अनुदेशक कहीं भी बस चलाओ, गाड़ी जलाओ, रास्ता रोको, टायर रोको, ये फूंको, स्कूल फूंको, कहीं ये करो, कहीं विरोध करो, कहीं ये, उसी तरह का कुछ नहीं। अनुदेशक एक आज्ञाकारी शिक्षक की तरह, अनुशासित प्रदेश का नागरिक होने की तरह कानून चलाया जाता है। और माननीय अदालत ने ही उसको 17,000 रुपए किए, और माननीय अदालत में ही वो आशा लगाए खड़ा है, और माननीय अदालत से ही आशा अनुरोध कर रहा है, और माननीय अदालत ही सुन रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जरूर आई है और माननीय अदालत के खिलाफ आई है, उनके आदेश को खिलाफ चैलेंज किया है, और चैलेंज करने में अच्छा खासा पैसा भी वो फूंक रहे हैं। एजी साहब का टाइम लग रहा, वो एजी साहब का टाइम यहाँ न लग के लगातार जो लग रहा है किसी और केस में लगता, प्रदेश में आतंकवादियों के विरुद्ध लगता, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली संस्थाओं के साथ लगता, विकास के साथ लगता, सबका साथ सबका विकास का नारा होता, सबके साथ। हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंडरवर नए जो चीफ जस्टिस आ रहे हैं, अंडरवर जस्टिस यू ललित साहब, उन्होंने नारा दिया सबका साथ के साथ सबको न्याय भी मिले, सबको न्याय में लगता तो वो ज्यादा अच्छा होता, उधर से तरफ जाता। लेकिन इसी में अपने लोगों के लिए, अपने कानून के खिलाफ, अपने आदेश के खिलाफ, अपने 17,000 देने के खिलाफ, जबकि पैसा है आपके पास, ऐसा भी नहीं पैसा नहीं है। यूनियन ऑफ इंडिया कह रही हमारे दिया हुआ पैसा इतना है कि आपके पास हर साल एक्स्ट्रा पड़ा रहा, हर साल इतना पैसा एक्स्ट्रा पड़ा रहा जो आपने खर्च नहीं किया, वो बाकी रखा रहा। भारत सरकार तो हो सकता और देती, सर्व शिक्षा अभियान के तहत माननीय मोदी जी और मानव संसाधन मंत्रालय और दे, आपने और मांगना तो छोड़ो साहब, आपने जो दिया हुआ उनका था, बिना मांगे जो दिया हुआ था वो आपने नहीं दिया, सैलरी में नहीं दिया, वो खर्च नहीं किया, वो पड़ा रहा, वो क्यों पड़ा रहा? अरे शिक्षा तो महती जरूरत है, शिक्षा के स्वास्थ्य और रोजगार, आप तो शिक्षा और रोजगार के खिलाफ आपकी मुहिम है, इसी पे आप काम कर रहे हैं। करना तो चाहिए हमारे देश के नेताओं को भी, राजनीतिक दलों को भी करना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दल अफसोस से नहीं कर पा रहे हैं।